देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और ये पहला समय नहीं, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया उनके उप मुख्यमंत्री हो, या इनके बाकी मंत्री हो, इनको भी जेल में जाना पड़ा। इनके बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनके सहयोगी, इनके एडवाइजर जो लीकर स्कैम में जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके अन्य कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या वो इतने बड़े हो गए या देश के कानून से ऊपर हो गए? ये वो व्यक्ति है जो राजनीति में आने से पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और ये कहता था कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। जो उस समय के, मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं, जो उस समय कहते थे कि सोनिया गांधी की जांच करवाओ, सब पता चल जाएगा। देखिए, सुनिए। अब ये उस समय कह रहे हैं कि 2 दिन सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इंटरोगेट करो, सब कुछ बाहर आ जाएगा किसने पैसे खाए। अब ये अगर सोनिया गांधी पर, उनकी आज की पार्टनर पर लागू होता है तो अरविंद केजरीवाल पर लागू क्यों नहीं होता है? क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार करेगी और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को क्लीन सर्टिफिकेट देंगे, सत्येंद्र जैन को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे, संजय सिंह को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे? आज वो सारे लोग जेल में है, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में। क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है और भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए जांच एजेंसियों ने अपने काम किया है, उनको सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए ये पॉलिसी शराब की क्यों बदली गई थी, ये करोड़ों रुपए खाने का काम क्यों किया गया था, ये करोड़ों रुपए खाए उसका गोवा और पंजाब के चुनाव में दुरुपयोग कैसे किया गया था। आखिर एक के बाद एक कई सवाल जांच एजेंसियों के श्रीमान अरविंद केजरीवाल से होंगे। इन सबके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने चाहिए।